यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए अभी कच्चा मकान है, इसको कुछ जो है जुगाड़ से लगा करके किसी भी तरह जो है इसको मतलब फिर से लगा कुछ काम जो है कर रहे हैं। तो आज जुमा का दिन है और तैयार हो गए हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं मस्जिद, जुमा मस्जिद सामने नमाज पढ़ने के लिए। तो ये भाई भी साथ में हैं, बांग्लादेश के हैं, तो दोनों लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं। जुमा की नमाज हमने पढ़ ली है, वापस अभी रूम पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है, करीब 1 बजने वाला है। अभी जुमा की नमाज़ पढ़ के आए गए हम लोग, अभी रूम पे आए थे, तो उसके बाद अभी जा रहे हैं खाना आने के लिए, क्योंकि अभी दोपहर का खाना तो है नहीं। तो अभी जाएँगे इंशाल्लाह, देखते हैं किसी होटल पर जो है क्या मिलता है, अभी जो है लेकर के आते हैं खाने में। तो अभी आपको दिखाते हैं बाहर का, देखिए मौसम के अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, कल रात से जो है काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और गुबार जैसी उड़ रही है, ये आप देख सकते हैं। धुंधला धुंधला से मौसम है, हल्का बादल टाइप का है और हल्की हल्की सी गुबार जैसी मतलब इस तरह उड़ रही है। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह होटल पे जो है कुछ खाना लेकर के आते हैं, फिर खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो गया, सुबह से नाश्ता भी नहीं किए हैं। अभी आप देख सकते हैं टाइम करीब जो है 1 बजने वाला है, 1 मिनट सिर्फ बाकी है बस। तो देखते हैं इंशाल्लाह अभी किसी होटल पर चलते हैं। देखो यहाँ के ATM ऐसे होते हैं, साइड से गाड़ी लगा करके आप इधर जो है विंडो से पैसा निकाल सकते हैं ऐसे ही, यहाँ पर ये आराम है। तो अभी ये वाला जो सिग्नल है ये 20 से बंद करके रखा है, अभी काफ़ी यहाँ लाइट का अंडरग्राउंड काम चल रहा है, तो अभी काफ़ी दिनों से जो है ये इसको बंद करके रखा हुआ है। जुमा का टाइम है तो दोपहर में सन्नाटा ही है, रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ भाड़ भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए अभी कच्चा मकान है, इसको कुछ जो है जुगाड़ से लगा करके किसी भी तरह जो है इसको मतलब फिर से लगा कुछ डेकोरेशन जो है कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी कितने यहाँ पर पानी के टैंकर सब खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ खाना खाते हैं, क्योंकि जुमा के दिन कोई तेली खाना बना नहीं पाता, काफ़ी सब लोग जो है देर में उठते हैं। ये वाला होटल है, यहीं से भी इंशाल्लाह खाना लेंगे। तो गाड़ी इधर जो है खड़ी कर दी है, चलते भी इंशाल्लाह मतम के अंदर। खाना भाई अपना यहाँ से ऑर्डर कर दिया है, अभी जो है टाइम लगे। तो खाना भाई सब ले लिया यहाँ से, और ये देखिए खाना अपना, सालन है, रोटी है और मीठे चावल है, बाकी ये सब थोड़ी सी सलाद है बिछाने के लिए जो होता है यहाँ पर, ये पॉलीथीन, इसको यहाँ पर सुफरा बोलते हैं, ये भी साथ में है। तो ये हमें पड़ गया है दसरियाल में, मतलब इंडिया के 200 रुपये मान लो, 12 रियाल 15 रियाल में जो है अगर आप कुछ ला के बनाएंगे दो टाइम खा लेंगे, ऐसे 12 रियाल 15 रियाल में अगर लेके आएंगे होटल से तो एक ही टाइम सिर्फ खा पाएंगे, या दो लोग होंगे तो साथ में दो लोग खा सकते हैं आप। तो बनाने में भी ठीक है, क्योंकि आपका जो है एक बार बना लेंगे 2-3 टाइम चल जाएगा, और होटल से लाने में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, बस ये कि एमरजेंसी में लाना पड़ता है। अब दोपहर का टाइम था, देर में कुछ सो के उठे हैं, और अभी जो है करीब 1:15 हो गया टाइम, खाना अगर बनाते तो धीरे धीरे जो है करीब मान लीजिए 2.5 या 3, 2.5 तो कम से कम बज जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है खाना बनाने में धीरे धीरे, तो उसके बाद फिर खाते काफ़ी टाइम हो जाता है। अभी खा लेंगे इंशाल्लाह फिर। अभी ये देखें टोटल मार्केट सब क्लोज है, टोटल अभी बंद है, अभी ये इंशाल्लाह खुलेंगी करीब 4 बजे के बाद, वही असर के बाद नमाज के बाद खुलती हैं, वही 4 बजे के लगभग बाद खुलती हैं। तो अभी देखिए आप बिल्कुल भी ट्रैफिक रोड के नहीं, सब आदमी जो नमाज़ पढ़ करके आया वो खाना खाएगा, अभी आराम करेगा, सीधा फिर जो है वही उठेगा वो सीधा 4 बजे। तो अभी आ गए अपने हम रूम पे, रूम के बाहर का ये एरिया है, यहाँ से ये ओके बाबा। एक प्लेट ले लिए, इसमें सारा रखेंगे।
काफी गर्म है क्या? भाई साहब अभी खाना खाना खाने के बाद अपनी ड्यूटी फिर से लग गई है। आज मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं इस तरह। फार्मेसी जहाँ तक अभी खुली हुई है, देखते हैं इंशाल्लाह घर मिल जाएगा। तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर किया है, पता नहीं कहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई अभी ले लिए हैं दवा मैडम की। ऑर्डर करी थी वो ऑनलाइन, उसके बाद फिर आईडी नंबर डाल करके उसका और जो है जो भी था प्रोसेस करके मिल गया यहाँ से। तो अभी हम खड़े हुए हैं गेट पे और बेल बजाती है, अभी नौकरानी आएगी ले जाएगी सामान। ये तो ये देखिए भाई, दर्द नहीं थी जब धूप हो रही है, तो गेट पे खड़े हुए हैं। तो भाई साहब अभी ड्यूटी हो गई स्टार्ट फिर से, और आप देख सकते हैं यहाँ से जो है काफ़ी सारे पेड़ लिए हैं कपिल घर के। अभी पेड़ लेकर के जो है वापस जा रहे हैं कपिल घर में, और ये जो भी साथ में है भाई वो लगाएगा इनको। तो आ गए भाई साहब अभी जो है कपिल के घर पे, ये आप देख सकते हैं जो है अभी यहाँ पर जो है इनको सबको उतारना पड़ेगा। आते हैं अभी इनको जो है सबको उतारेंगे, नीचे रखेंगे। तो अभी देखें गाड़ी क्या कंडीशन हो गई पेड़ रखने से। यहाँ पर लैंड क्रूजर भाई गाड़ी का ये हाल है, देखिए यहाँ पर लैंड क्रूजर से सारे काम होते हैं। ये पेड़ जो है सब यहाँ रखे हुए हैं, इस साइड इधर रख दिया। अभी भाई जो है वो अंदर लगा रहा है वहाँ पेड़, और वो बारी बारी जो है ले जाएगा यहाँ से जितने भी जो लगाने होंगे। तो अभी ज़रा इसको साफ़ कर देते हैं। तो अभी गाड़ी कर लिए हैं बिल्कुल साफ़, तो अभी इसको बंद करते हैं। तो भाई अभी ये पेड़ वाला काम ख़त्म ही हुआ था, नीचे उतार के रखे थे, जब तक जो है अभी फिर से लड़की का फ़ोन आ गया। अभी जाना पड़ेगा मुझे केएफसी से खाना उसको ला करके देना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं सामने वाले गेट पे, वहाँ से उसका एटीएम कार्ड लेंगे और उसके बाद फिर जो है खाना ला के उसको देंगे। आज जुमा का दिन है, फिर भी ड्यूटी रहती है बराबर। सऊदी अरब में ड्राइवर की ड्यूटी डेली रहती है, चाहे जुमा हो कोई सभी दिन हो, छुट्टी या किसी भी दिन नहीं, डेली डेली ड्यूटी रहती है यहाँ पर। जिस दिन आप आएंगे तो उस दिन से लगा करके और जब तक आप काम करेंगे तब तक डेली यहाँ ड्यूटी रहेगी, बराबर ड्यूटी चलती रहती है। अभी आ गए ये गेट पे, बेल बजाएंगे तो अभी नौकरानी लेकर के आएगी। मिल गया अभी एटीएम कार्ड इसका, और चलते हैं फटाफट अभी जो है होटल पे केएफसी, वहाँ से खाना जो है इसका देखते हैं क्या कर लेना होगा, जाके वहीं बात कराएंगे। तो लेकर के वहीं से इंशाल्लाह आते हैं, चल करके दिखाते हैं अभी आपको यहाँ का केएफसी कैसा होता है। देखिए भाई साहब यहाँ की ऐसी कुछ रोड, अभी करीब 6 बजने वाले हैं, अभी थोड़ा जो है ट्रैफिक होने लगा है, तो यहीं से राइट लेंगे हम। इस साइड भी जो है नए कुछ होटल लग रहा है, कुछ मकाम ऐसे बन रहे हैं। सामने ही आ गया केएफसी, और देखते हैं अगर जगह मिल जाती तो पार्क गाड़ी पार्क कर लेते हैं। ये है भाई साहब केएफसी यहाँ का, ये देखें वो आ गए भाई अंदर केएफसी में। तो भाई साहब अपना ऑर्डर मिल गया, अभी आ गए गाड़ी में। ये है पेप्सी, ये इसका केएफसी का जो भी ऑर्डर इसने किया था। तो चलते हैं फटाफट फिर से घर पे, ले जाके इसको दे देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे।
तो ये है भाई साहब यहाँ का ब्रूस्ट, और ये है पेप्सी, दो ब्रूस्ट, दो पेप्सी मैडम ने मंगाया। तो ये सादा वाला होता है बिना मिर्ची वाला, जैसे हम लोग खाते हैं तो स्पाइसी खाते हैं, तो ये लोग जो है सिंपल ऐसे ही खाते हैं बस, मतलब हल्का फुल्का जो है नमक, नमकीन मतलब समझिए या बिल्कुल आदि इसको बोलते हैं यहाँ पर, वही खाते हैं लोग। तो ब्रूस्ट लेने के बाद ये केक वाला भी सामान ले लिया है, यहाँ का कुछ ऐसा केक होता है ये देखिए, तो ये सब ले लिए हैं, इधर ये ब्रूस्ट है, इधर ये केक है, तो चलते हैं अभी जाकर घर पे दे देते हैं। अभी टाइम हुआ है भाई 7:55, रात के 7:55 करीब हो रहा टाइम, और ये सब सामान लेकर के आ गए हैं अभी मैडम के इधर ये घर के बाहर। तो अभी जो है इंशाल्लाह सब दे देते हैं, पहले बेल हो जाते हैं, कोई ना कोई निकलेगा तब दे देंगे। बेल बजा दी अभी लड़की निकल करके आएगी, इसको जो है सामान दे देंगे सारा। ये हो गई पेप्सी, ये हो गया ब्रूस्ट इसका, और सारा ये आइटम। ये देखें ये सारा सामान, फिर अभी ड्यूटी हो गई स्टार्ट। तो भाई अभी देखिए टाइम हो रहा है 12:55, और अभी हम हैं इस जगह पर, ये छोटी सी पार्क है, तो मैडम को ला करके यहीं पे छोड़े थे, और अभी जो है मैडम का फ़ोन आया तो लेने आए हैं यहाँ पर। तो अभी उनका सामान तो अंदर से हम यहाँ से उठा लाए हैं, जो भी था इनका ये सब, बाकी भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग जो है आ रही, तो अभी बैठेंगे गाड़ी में, फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, अगर कोई साथ में रहेगा तो उसके घर भी छोड़ना पड़ेगा, अगर मैडम रहेगी तो डायरेक्ट फिर जो है अपने घर पर ही जाएगी। अभी हो रहा है रात का टाइम 1:17, और अभी जो है हम आ गए अपने रूम पे, मतलब रूम के बाहर अभी हैं, तो फटाफट से जो है अभी गाड़ी बंद कर दें, चलते हैं फिर अभी रूम पे, रात में काफ़ी अभी टाइम हो गया। पूरा दिन भर का काम निपटाने के बाद अभी जो है वापस रूम पर जो है आ गए हैं, और मैडम को लेकर के आए, उसके जो है उसकी कपिल की बहन थी, उसको भी ला करके छोड़े, सब कुछ होने के बाद अभी वापस आ गए हैं। भाई साहब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करा करें यार, दिन भर जो है मेहनत करते हैं बनाते हैं वीडियो, और पसंद आए करो तो जो है जरा एक लाइक शेयर जरूर करें।